फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये पूछते हैं कि वंस और वंस में क्या फर्क है, उसी तरीके से इट्स और इट्स में क्या फर्क है। अगर हम इसकी साउंड की बात करें तो दोनों का साउंड एक ही है, तो क्या इन दोनों का इस्तेमाल एक है? तो मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल नहीं। वंस कुछ अलग है और वंस कुछ अलग है, ये इट्स कुछ अलग है और वो इट्स कुछ अलग है, ये चारों आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इस कंसेप्ट को समझें। दिस वन, यह वाला, दैट वन, वह वाला, दीज वंस, ये वाले, दोज वंस, वो वाले, गुड वंस, अच्छे वाले, बैड वंस, खराब वाले, स्मॉल वंस, छोटे वाले। तो फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यह अच्छा वाला है तो आप कहेंगे दिस इज गुड वन, ये अच्छे वाले हैं तो आप कहेंगे दीज आर गुड वंस, वह खराब वाला है तो आप कहेंगे दैट इज बैड वन, और अगर आपको कहना हो ये खराब वाले हैं तो आप कहेंगे दीज आर बैड वंस। अगर आपको कहना हो मैंने अच्छे वाले खरीदा तो आप कहेंगे आई बॉट गुड वंस, तुम खराब वाले खरीदे You bought bad ones. वह अच्छे वाले ली तो आप कहेंगे She took good ones. आइए फ्रेंड्स, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप वंस के बारे में समझे कि वंस का एक मीनिंग वाला या वाली होती है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने सीखा कि वंस क्या है, आइए अब देखें कि वंस क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना पसंद करूंगा कि इन दोनों का उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन एक ही होता है, दोनों को हम वंस कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब इसका इस्तेमाल देखें। वंस मीन्स अपना होता है, लेकिन सिर्फ वंस ही नहीं बल्कि इन सभी के मीनिंग अपना होता है। आइए थोड़ा इस बात को समझ लें, क्योंकि यह बात जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो अपना की अंग्रेजी माई होती है, यू का योर, वी का आर, दे का देयर और वन का वंस होता है। ये सभी नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं, जबकि ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये बात याद रखेंगे कि अपना के लिए अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो अपना का अंग्रेजी माई, जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है। मैं अपने कमरे में हूँ तो आप कहेंगे आई एम इन माई रूम, यहाँ आई के साथ अपना के लिए माई लिखा गया है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है आई। अगर सेंटेंस ऐसा रहता आप अपने कमरे में हैं तो आप कहते यू आर इन योर रूम, यानी यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर होगी। अगर सेंटेंस ऐसे हो हम लोग अपने घर में हैं तो आप कहेंगे वी आर इन आर रूम। अगर लिखा हो वो अपने घर में है तो अगर वो कोई मेल है तो आप कहेंगे ही इज इन हिज रूम। अगर कोई फीमेल है तो आप कहेंगे सी इज इन हर रूम। और अगर हम किसी परिंदा की बात करें, यानी ऐसे नाउन की बात करें जिसे पता न चले वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, जैसे सांप, मच्छर, अब नॉर्मली इनको देखने पर पता नहीं चलता है, तो इस केस में आप इट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, खास बात आप यहाँ देखें, वर्ड मिस होता है कोई, और हम इस वर्ड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें पता न हो कि सब्जेक्ट कौन है, यानी जब सब्जेक्ट अननोन हो या अपरिचित हो तो हम वन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर लिखा हो कोई अपने कमरे में है, कौन है नहीं पता, कोई है मैं नहीं जानता उसके बारे में, तो आप कहेंगे वन इज इन वन्स रूम। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वन मिस कोई और वन के लिए जो अपना होता है वो है वंस। वंस एक पजेसिव एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अपना। आइए फ्रेंड्स, अब इट्स और इट्स के बारे में देखें, क्योंकि अक्सर लर्नर यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। इट्स मीन्स इसकी, इट्स एक पजेसिव प्रोनाउन जिसका मतलब होता है अपना, अपनी, अपने, या उसका, इसकी या उसकी, और यह एक ऐसे नाउन के लिए आता है जो पता न चले कि मेल है या फीमेल, नर है या मादा, कीड़े मकोड़े जैसे बिच्छू, सांप, मच्छर, मक्खी, तो नॉर्मली इनको देखने पर ये नहीं पता चलता है कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन। तो फ्रेंड्स, इस केस में हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं जो मैं अपने पिछले एग्जांपल में आपको सिखाया। और अगर हम बात इट्स की करें तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ इट्स इट इज का कॉन्ट्रास्ट है। जैसा कि अक्सर आप ही इज को हीज लिखते हैं, आई एम को आई एम लिखते हैं, तो उसी तरीके से इट्स इट इज का शॉर्ट फॉर्म है या कॉन्ट्रास्ट फॉर्म है। जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल में देखें, इट इज डेंजरस या खतरनाक है, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं इट्स डेंजरस, यानी इट इज डेंजरस या इट्स डेंजरस, दोनों एक ही चीज है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये सभी कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें।
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।